Hi everyone, welcome back to my channel True Being. A very good morning to all of you guys. So guys, अभी just मैं सोकर उठी हूँ, आधे घंटे पहले बस फ्रेश एंड अप हुई हूँ. और एक हफ्ते बाद ये व्लॉग आ रहा है, ऑलमोस्ट 7 days बाद या 8 days बाद ये मेरा व्लॉग लाइव हो पाएगा, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स आपको पता ही थी, घर में चल रही थी. तो अभी थोड़ा सा ऊपर वाले की दुआ से चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं. मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक है, वो रिकवर हो रही है. मैं भी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ. पहले मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा था, मैंने आपको बताया भी था. और बीच में अमित को भी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी, सभी लोग बीमार पड़ गए थे घर में, तो वो भी अब बेटर फील कर रहे हैं. तो मैंने सोचा आज एक सही दिन है, आज का दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. और धीरे धीरे चीज़ें ऑन ट्रैक आ रही हैं, सब लोग रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो उनको बैलेंस होने में. तो होपफुली अब ब्लॉग्स आएँ और आज का दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी. तो अभी तो जस्ट सोकर उठी हूँ और काम वाली दीदी काम कर गई हैं, बस मुझे बेड्स वगैरह अरेंज करने हैं, क्योंकि अभी जस्ट ऐसे ही पड़े हुए हैं सब. और उसके बाद में अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं बाहर, नाश्ता वाश्ता उन्होंने कर लिया है, ब्रेड्स वगैरह अरेंज करके मैं जाती हूँ मॉर्निंग वॉक पर. और चेंज करते हैं अपना आउटफिट मॉर्निंग वॉक से आने के बाद में, देन मैं ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी करूँगी और उसके बाद जो भी करते हैं पूरा दिन आपके साथ शेयर करती हूँ. सो गाइस, ये भी सोकर उठ के आ चुके हैं. आई थिंक अभी उठे हैं, जस्ट अभी नहीं उठा मैंने उठ गया. हाँ, तो अभी मतलब सब कुछ ठीक है घर में. तो मैं आज का दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. और गुड मॉर्निंग गाइस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है सबसे. कैसे हैं सब लोग? बाकी लोग अच्छे ही होंगे सब? सब लोग अच्छे हैं. हमारे घर में बस अच्छा नहीं चल रहा था, बट अब थोड़ा थोड़ा मतलब समय लगता है चीज़ों में, चीज़ें रिकवर हो रही हैं. मम्मी भी ठीक हो रही हैं, मेरे को भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, इनको भी थोड़ा सा आराम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा थोड़ा करके सब लोग रिकवर हो रहे हैं. तो चलिए शेयर करते हैं आज का दिन आप लोगों के साथ. और अभी मैं जाने वाली हूँ मॉर्निंग वॉक पर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने थोड़ा सा ध्यान देना अपनी हेल्थ के ऊपर शुरू कर दिया है. सो गाइज, मैं वापस आ चुकी हूँ अपने मॉर्निंग वॉक से और अब करते हैं अपना ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया आज, जो कि है स्प्राउट्स. पहले फिनिश करते हैं अपने स्प्राउट्स. और हाँ, तो गाइज मैं बता रही थी आज है निर्जला एकादशी, तो सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं. तो ब्रेकफास्ट फिनिश करके जाते हैं नहाने, एंड फिर नहाने के बाद हम जाएंगे मंदिर और पूजा वूजा करके आएंगे. जो चीज़ें जाती हैं वो भी मैं लेकर आई हूँ, फ्रूट्स और पंखा वगैरह आता है आज के दिन, सभी लोगों को पता होगा, सबके घर होता होगा. तो फिर करेंगे पूजा और अभी फिलहाल नाश्ता फिनिश करते हैं. सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं मंदिर और पूजा करने. और आज जो मैंने बताया था आपको निर्जला एकादशी है, तो उसका पूजा का सामान मंदिर में पंडित जी को देने. मंदिर जाते हैं, वहाँ से आकर फिर करते हैं लंच. उसके बाद मैंने तैयार करी पूजा की थाली और जो भी सामान हमें मंदिर में लेकर जाना था. और फिर पहुंच गए हम मंदिर, और मंदिर जाने के बाद हमने देखा वहाँ काफ़ी क्वांटिटी में शरबत बनाया जा रहा था, जो कि निर्जला एकादशी के दिन सभी मंदिरों में और घर पर बनता है. हम लोग भी लेकर गए थे और वहाँ दान करके आए, पूजा करी, काफ़ी अच्छे से पूजा भी हो गई थी हमारी. और फिर ये देखो घर आकर चूड़ियों को सेट करने में मेरी हेल्प कर रहा है, इसे लड़कियों के काम को करने में बहुत ही मज़ा आता है. एक एक करके नहीं, एक साथ लगाओ सारी. दो, और यहाँ पर शुभ इंजॉय कर रहा था अपनी मैगी. कितना प्यारा लगता है, क्या सभी बच्चे इसी तरीके से मैगी खाते हैं. और फिर उसके बाद मैं, अमित, मम्मी, शुभ निकल गए थे थोड़ा सा घूमने, क्योंकि मम्मी काफ़ी टाइम से घर में बंद थी तो बोरियत तो हो ही जाती है, तो सोचा थोड़ा सा कार में ड्राइव करा के लाते हैं. और वहाँ से लौटते वक्त हम लोग थोड़ा सा मंडी भी चले गए थे, वहाँ से फ्रूट्स वगैरह भी हम लोगों ने लिए. उसके बाद मैं और अमित निकल गए थे सैलून, वहाँ जाकर कराया अपना थोड़ा सा टचअप. इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग. बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में.